हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आप लोगों के साथ केक रस बनाने की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी गाइस। तो सबसे पहले जो है हमें चाहिए होगा 4 एग चाहिए होंगे जो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, और 120 ग्राम बटर चाहिए होगा, वो भी रूम टेम्परेचर पे होगा। और इन दो चीज़ों को हम अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको अच्छे तरीके से बीट कर रही हूँ, और जितना अच्छा ये बीट होगा उतना ही अच्छा हमारा केक रस बनेगा। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड करना है वनीला एसेंस 1 टीस्पून, और इसको भी हमने फिर मिक्स करना है। तो अब हमने इसमें 2 कप प्लेन फ्लावर ऐड करने हैं और इनको हमने अब बीट करना है अच्छे तरीके से। और अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, और इसको मैंने मिक्स करना है। और गाइस आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये केक रस स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, और चाय के साथ, दूध के साथ आप लोग खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, और मेरे घर में भी ये बहुत पसंद किए जाते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें 1 कप कास्टर्ड शुगर ऐड की है, और गाइस इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपना सारा मिक्सचर बेकिंग ट्रे के अंदर डाल रही हूँ। तो इसके बाद मैंने अपने ओवन को 180 टेम्परेचर पे प्री हीट कर लिया है। तो अब मैंने अपने केक को 30 मिनट के लिए ओवन में बेक करने के लिए रखा है। 30 मिनट के बाद मैंने अपने केक को चेक किया तो ये बिल्कुल रेडी था। तो देख सकते हैं गाइस कि केक बिल्कुल तैयार हो चुका है, और इसका कलर भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा आया है, गोल्डन ब्राउन कलर। तो ऐसा ही होना चाहिए बिल्कुल। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने केक की कटिंग कर रही हूँ। मैंने इसको स्क्वायर में काटा है, तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। तो गाइस अब रमज़ान मुबारक आ रहा है और उसकी भी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। सारे ही मुसलमान पूरी दुनिया में ही, तकरीबन जितने भी मुसलमान हैं वो सब रमज़ान की तैयारियां कर रहे हैं, और मैं भी माशाल्लाह से रमज़ान की तैयारियों में शुरू हूँ। और आप लोग ये बना के रख सकते हैं सहरी के टाइम खाने के लिए, केक रस बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं तो हमेशा बनाती हूँ सहरी के टाइम, चाय के साथ हम लोग खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और गाइस अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए प्लीज़, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँगी इंशाल्लाह। तो रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती है कि हम लोग जो है वो रोज़े रखेंगे और इबादत करेंगे। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल करे। और गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मेरे केक रस बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि केक रस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही यमी और क्रंची हैं। आई होप गाइस आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।
आपके लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि और ही अच्छे और बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। गाइस आप लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।